तत्पद स्वामीकृत आप मीमांसा ग्रंथ पर अस्त्र सहस्र टीका में आचार्य विद्यानंद स्वामी भाव एकांत की व्याख्यावान अभाव एकांत अभाव एकांतवादी बौद्ध माध्यात्मिक उनकी दृष्टि में यदि भाव का अपनव करते हैं, भाव का लोप करते हैं, तो अभाव भी घटित नहीं होता। बोध वाक्य तो बोध कैसे होंगे और वाक्य कैसे होंगे, ज्ञान भी घटित नहीं होगा और वचन भी घटित नहीं होगा। अब बोध वाक्य ये इन्होंने गुण शब्द का प्रयोग कर दिया, वाक्य वचन मात्र, बोध ज्ञान मात्र, बोध वचन मात्र, ज्ञान ज्ञान मात्र, तो बोध बोध मात्र, ज्ञान ज्ञान मात्र, तो बाह्यार्थ का भाव, भाव का भाव, बाह्यार्थ का भाव, तो बोध किसका, बोध किसका, वचन किसके लिए। अब आपको तुरंत कारक का प्रयोग करना चाहिए, बोध किसका, वचन किसके लिए, बोध किसका, बोध किसका, तो किसका बालक, बोध किसका, बोध किसका पदार्थ, किसका संबंध, बोध किसका संबंध जुड़ रहा है आपका, बोध किसका और वचन किसके लिए, बोध किसका, वचन किसके लिए, जब वस्तु ही नहीं है, भाव ही नहीं है, तो बोध किसका, वचन किसके लिए। जो जो बोध कर रहा है वो स्वयं अभाव भूत है। अच्छा, जब जगत अभाव भूत है तो कोई शिष्य नहीं, कोई गुरु नहीं, तो आप ये वचन किसको सिखाना चाह रहे हो। ऐसे ही यदि मैं जैन दर्शन में निमित्त का निरसन करने वाले एकांतवादियों से कहूँ, जैन दर्शन में निमित्त का निरसन करने वाले एकांतवादियों से कहूँ, जो निमित्त को नहीं मानना चाहते ऐसे अज्ञ प्राणी, उनसे प्रश्न करूँ, निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त कुछ नहीं होता, सर्वथा एकांतिक, तो फिर आप किसके लिए निमित्त बन रहे हो, अध्ययन कराने के लिए, आप किसके लिए निमित्त बन रहे हो, ज्ञान देने के लिए, तुम क्यों निमित्त बन रहे हो, निमित्त कुछ करता ही नहीं है, तुम शिविर क्यों, तुम प्रवचन क्यों, तुम पाठशाला क्यों, मंदिर क्यों, निमित्त कुछ करते, निमित्त कुछ करता नहीं है। अभाववादी के लिए कहा, अभाववादी के लिए, अरे भाई, अभाववादी के लिए कहा कि जब अभाव है तो बोध किसको, वचन किसको, बोध किसका, वचन किसके लिए, इसलिए न बोध बनता है न वचन बनते हैं। केन साधन दूषणम, जब वस्तु है ही नहीं है तो साधन क्यों, वस्तु है नहीं है तो दूषण क्यों, समझिए। अब नैरांतवादी शून्यवादी, नैरांतवादी शून्यवादी, उसके तरफ से एक श्लोक है, इस श्लोक को समझिए। और आध्यात्मिक दृष्टि लगाते समय जो दृष्टि कार्तिकेय स्वामी ने लगाई है वो दृष्टि लगाना चाहिए। जम किंच उपन्नम तिवरा सुभद्रीय मेढे परिणाम स्वरूपेण किंच साक्ष्यम अथि सासमथि सासमथि
अब प्रश्न है, उन्होंने क्या लिखा? जम किंचे उत्पन्नो तस्मिन्नमिति वेणे, जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका विनाश नियम से होता है। पर ध्यान दीजिए, परिणाम स्वरूपेणा, परिणाम स्वरूपेणा, ये हमने जो कथन किया है पर्याय दृष्टि से कथन किया है, जो भी पर्याय उत्पन्न होती है वे नष्ट होती है परिणाम स्वरूपेण ने किंच भी शाश्वत थी। परिणाम दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से शाश्वत नहीं है, द्रव्य दृष्टि से शाश्वत है। समझ रहे ना? ऐसे इनको अभाव में देखना चाहिए था, पर द्रव्य के पेचस अभाव है, पर क्षेत्र के पेचस अभाव है, पर काल की पेचस अभाव है, पर स्वभाव की पेचस अभाव है, न कि द्रव्य क्षेत्र काल स्वभाव की पेचस अभाव है। अवस्तु में अभाव कैसे लगा रहे हैं आप? सुसंवेदन है, सुसंवेदन है, हम संवेदन मानते हैं, तो स्वसंवेदन, 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 अरे संवेदन तो है, लेकिन संवेदन संवेद्य के बिना कैसे? सब संवेद्य मान होना चाहिए तब संवेद्य होगा, संवेद्य मान्य संवेदन किसका? पर उनकी दृष्टि सुनिए आप, भावेन रुध्यन्ते तद्रूपं नास्ति तत्त्वतः, यस्मादेकमनेकं च रूपं तेषां न विद्यते। सुनिए ध्यान से, जैसे वर्तमान में हिंदी का साम्राज्य है, प्रांतीय क्षेत्रीय भाषाएं गौण हैं और अपने अपने प्रांत की भाषाएं, चलो ठीक है ना, तो जैसे कोई व्यक्ति कवि है, हिंदी में कविता लिख सकता है, संस्कृत के संस्कृत में काव्य बनाएगा, मराठी मराठी बनाएगा, कन्नड़ी कन्नड़ी बनाएगा, तेलुगु तेलुगु बनाएगा, प्राकृत वाला प्राकृत बनाएगा। तो जिसने काव्य बना दिया तो क्या 100-200 वर्ष हो जाए और किसी व्यक्ति ने अपनी व्यक्तिगत सोच उसमें रख दी लिख करके, तो क्या सारा काव्य प्रमाणित हो जाएगा? क्या संस्कृत में लिखने में होने माँ से प्रमाण हो जाता है? क्या प्राकृत में लिखने माँ से प्रमाण हो सकता है? ऐसा अज्ञानी मान सकते हैं, मैं नहीं मानूंगा। कोई संस्कृत में श्लोक मिल जाए, बोले मूल में मिल गया। अरे मूल क्या क्या मतलब? मूल का मतलब संस्कृत प्राकृत नहीं लगाना चाहिए आप लोगों को। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो आप लोग, मूल का मतलब संस्कृत प्राकृत भाषा मत लगाइए, मूल का अर्थ भगवान की वाणी लगाइए, मूल का अर्थ पूर्वाचार को लगाइए। वो संस्कृत प्राकृत तो मूल बोलते मूल बोलते मूल बोलते हो। अरे मूल बोलने वालों, हम आपको दूसरे मतों की संस्कृत दिखा देंगे, दूसरे मतों की प्राकृत दिखा देंगे, और तुम सदियां लगाओ, पुराना पुराना पुराना, तो हजारों पुराने ग्रंथ दिखा दूंगा मैं आपको। तो क्या है, संस्कृत में लिखे होने से, प्राकृत में लिखे होने से, पुराने होने से प्रमाण हो जाएंगे क्या? इसलिए इसलिए मूल क्या, ये तुम जितने विद्वान हो, जितने मुनिराज हैं, श्रवण श्रवणीय मुनिराज हैं, ये दिमाग खोलिए अपना, मूल का अर्थ संस्कृत प्राकृत मत लगाइए, मूल का अर्थ समझिए, मूल ग्रंथ कर्तारा सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा गर्ध देवा, प्रत्युत्तर ग्रंथ कर्ता आचार देवा, तेसाम वचनोसारी। समझ में? तो मूल ग्रंथ करता रहा, ये मूल सर्वज्ञ देव, जो सर्वज्ञ सिद्धांत है वे कोई भी भाषा में हो हमको स्वीकार है, न कि संस्कृत में तुम्हारे मन में लिखी रखी हुई है, प्राकृत में लिखी रखी है, कितनी मिलावटी करके रखी लोगों ने,
अच्छे समय आ रहा है, कुछ बुद्धि खुल रही है, इसलिए तुम शिलापट्ट दिखा रहे हो मुझे। देखो शिलापट्ट प्रमाणित मान लीजिए, अरे शिलापट्ट तुम्हारे दादा ने लिख कर रख दिया, तुम शिलापट्ट दिखा रहे हो ना, आज हम लिख के रखा दे रहे हैं, हजार वर्ष बाद ये प्रमाणित हो जाएगा, इसलिए शिलापट्ट भी प्रमाणित नहीं। हमको मूल सिद्धांत मिलना चाहिए, जो हमारे पूर्वाचार्यों ने कुंद कुंद पुसंद भूतपली जैसे आचार्यों ने जो साक्षात भगवान की वाणी लिखी है उसके अनुसार घटित हो तो स्वीकार है, अन्यथा स्वीकार नहीं है। बुद्धि सीखो थोड़ी सी, अरे मूल में लिखा देखो, अरे मूल में लिखा देखो, ये बताइए लिखा किसने है। हर काल में राग द्वेष होता कि नहीं, कसाई का काल कौन सा काल कसाई का है बोलिए, कौन सा काल कसाई का, चतुर्थ काल, पंचम काल, छठवां काल, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा, कौन सा काल कसाई का है। सर्वकालिक कसाई होती है, और सर्वकालिक सर्वभौमिक कसाई है, तो ऐसे आज कसाई है पहले भी कसाई थे। अपने अहंकार के पीछे कुछ भी बोल सकते थे, इसलिए ये मत हजारों वर्षों पुराने मत रखे रहे आपके सामने। जब से महावीर तब से बौद्ध, महावीर को 2500 वर्ष हो गए तो उनको भी हो गए, बराबर है कि नहीं। आगे चलिए, वैदिक दर्शन, जैन दर्शन, जैन दर्शन वेद भारत में दो ही दर्शन प्राचीन है, सर्व प्राचीन जैन दर्शन, श्रवण संस्कृति, वैदिक संस्कृति, बराबर दो बहती रही। तो सनातन त्रिकालिक जैन दर्शन समझ रहे कि नहीं आप, तो जो धारा है बिल्कुल दिखाई दे रही है आपको, तो यदि आप ये कहते हैं मूल में देखिए तो सब अपने मूल दिखा देंगे आपको, इसलिए संस्कृत मूल नहीं, प्राकृतिक मूल नहीं, मूल का मतलब समझिए मूल तीर्थंकर की वाणी मूल है। हमने हिंदी में कोई बात लिख दी तो क्या मूल नहीं कहलाएगी, इन अज्ञानियों को समझाइए। हमने हिंदी में लिख दिया सात तत्व होते हैं तो क्या मूल नहीं है ये, जैसे कि आचार्य उमा स्वामी ने संस्कृत में लिखा जीवा युवा श्रवंध संबंध निजामोचा सत्वम, ठीक है ना, ये तुम्हारे लिए मूल दिख गया। अब मैं बोलता हूं जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जा मोच, ये सात तत्व हैं, के मूल नहीं है, के महावीर की वाणी नहीं है, है। इसलिए भाषाओं में मत मरिए, भगवान की वाणी समझिए, अहंकार में मत डूबिए, नहीं भावना लाइए। लोगों ने हमसे कहा बहुत सारी भाषा सीख लो, मैंने कहा सीख सकता हूं लेकिन जितने मैं समय लगाऊं इसमें मैं तब तो और ग्रंथ पढ़ लेता हूं, और मैं समझ के फिर मैं लिख रहा हूं, जिनको आवश्यकता पड़ी स्वयं भाषा अपने बना लेंगे। बड़े बड़े आचार्यों ने संस्कृत में लिखा, प्राकृत में लिखा, अब हमको संस्कृत प्राकृत जिनको नहीं आ रही है ना तो वो हिंदी में पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे विद्वानों से, ठीक है ना। आइए बालक, अब ये मूल है संस्कृत में लिखा है तो क्या मूल मान लूं, इसलिए मैं आपको इतना पक्का ठोस ज्ञानी बना के भेजूंगा देश में कि ऐसे सिंह देश दहाड़ना, मूलकार समझिए। कोई कोई गाथा बना, आजकल फिर छल प्रारंभ हो गया है, अभी प्रतिष्ठा ग्रंथों में एक विद्वान ने एक मुनि महाराज से श्लोक लिखवा लिए और जो उसमें थे ही नहीं वो बेश्लोक बनवा के उसमें रख दिए, छाप दिए, मेरे पास आया आशीर्वाद लिख दो, मैंने कहा नहीं तुमने उसमें मिलावट कर दी है, समझ रहे कि नहीं। अरे श्वेत छोड़िए, आपके दिगंबर परंपरा को मानने वालों ने कर दिया, बे तो मूल में ही भूल उनके चल रही है, ठीक है, उनका भेष ही बनावटी है तो उनकी तुम बात नहीं, तुम्हारा तो भेष सही है, तुम क्यों बना ऐसा कर रहे हो, ठीक है। इसलिए अब हमको आचार्य
इंद्रनंदी स्वामी की नीति में चलना पड़ेगा। सभी निर्ग्रंथ भी निर्ग्रंथ नहीं है। जिनके मस्तिष्क में पंतवाद की गंध भरी हुई है, जिनके मस्तिष्क में पूजन पद्धति पे विकल्प खड़े हुए हैं, जिनके मस्तिष्क में बहुत सारी बनावटी भाषाएं भरी हुई हैं, असत्य मिसा भाषण चल रहा है, जिनके जीवन में आगम के विरुद्ध प्रवृत्ति नहीं है, मूल में ही भूल है, तो मित्र उन निर्गंत भेषधारियों को निर्गंत कैसे मान सकते हैं? जो अरहंत की वाणी को नहीं माने वो निर्गंत भी निर्गंत नहीं है। जो अरहंत की वाणी को मानने वाले वे ही निर्गंत सच्चे निर्गंत हैं। ही अष्ट सहस्री है, पचाना सीखो। भाव इन निरूपिन्ते, वो क्या कह रहे हैं बुद्ध, भाव इन निरूपिन्ते, एन भाव निरूपिन्ते, जिस पदार्थ की भाव तुम रूपणा कर रहे हो तद रूपम नास्ते, उसका रूप ही नहीं है। वो क्या हो रहा है, जिस भाव की तुम व्याख्या कर रहे हो उसका रूप ही नहीं है। तत्वतः यानी वास्तव में यथार्थ में वो तुम कह रहे हो, समृद्धि से कल्पना कर रहे हो, वो है नहीं है। ऐसा बोरा वो दर्शन यस्मात् एक मरेकम च। अब जैनी ने बोला ना एक रूपे अनेक रूपे, सुनाइए कोई श्लोक। ओ भाई अच्छे से बोलो। तुम बोलते तो अच्छा है लेकिन बताओ कि ये गाने वाले आते ना वे ऐसे बैठ जाते फिर एक दूसरे चिल्लाते, तो थोड़ा अच्छे से बोलो ना। हर जगह अनुनासिक बोलना पड़ता है क्या? हर जगह ना अनुनासिक। एकानि विकल्पात् उत्तरत्वापि योजित प्रक्रमय मनैना नै नै विशारदः। तू जो नयो विशारद हैं थोड़ा कंठ का भी प्रयोग करो, इस नाक का ही प्रयोग पूरा मत करिए, बकरी होती हैं। देखो यशोदा रवि भगवान की भक्ति कर रहे थे कितने तन्मय होकर के, भक्तांबर तुम पढ़ रहे थे देखे कि याद था। एकानेक था तेसम ने बिगड़ देते थे, वो क्या बोल रहे हैं, न एक है न अनेक है, कुछ नहीं है, वो तुम्हारा ऐसा सोचना मात्र है। और उत्तर सुनो फिर जब चलते हैं थोड़ा सा। नैरातवादे दोष न रोपणम, ये नैरातवादी ने कहा ना उसका दोष कह रहे हैं, ये तो आप निश्चित हो गया। नैरात्मा मतलब माता आत्मा नहीं है, समझ में आ गया ना, नहीं कोई भ्रम है, कोई भ्रम है, इसलिए अपन तुरंत मानते नहीं किसी की बात, चाहे तुम मुस्कुरा के बोलो चाहे रो के बोलो, मुस्कुरा करके उसको विषय ऐसे नहीं कर देना चाहिए। नैरात्मवादी यानी शून्यवादी अभाववादी, ये नैरात्मवाद, न कि मात्र आत्मा का अभाव। देखो ये पीठ ठोकना पड़ेगी किस बात की, कि किसी कोई कितने बड़ा आदमी आ जाए लेकिन मैं सुनता नहीं किसी की, क्यों सुनता नहीं किसी का मतलब हटाग्राही नहीं, जिन वाणी में लिखा उसके विरुद्ध नहीं सुनता, बाकी सबके सुनता हूं। क्यों पहले उसको वीरत्व दिखाना चाहिए, ठीक है, नहीं युगान निसर्ग था। हाँ नहीं युग नए का विशारद होना चाहिए। तस्मिन्नपि बोधस्य स्वार्थ स्वार्थ साधन दूषण स्वरूपस्य वाकच परा साधन दूषण दूषणात् आत्मसंभवान् नापन्न प्रमाणम्। लो हो गया काम,
तस्मिन अपी उस अभाव पक्ष में भी, जो आप अभाव हो रहे हैं तस्मिन अपी मतलब अभाव पक्ष में, बोधश्च जो बोध है आपका वो दो प्रकार है, तो स्वार्थानुमान परार्थानुमान, स्वार्थम परार्थानुमान, ज्ञानात्मक स्वार्थम वचनात्मक परार्थम, ठीक है ना। परार्थ क्या है? वचनात्मक है। स्वार्थ क्या है? ज्ञानात्मक है। तो आप ये बताइए जो स्वार्थ साधन दूषण रूप जो आप स्वार्थमान रूप है जो ज्ञान आपका, तो परार्थ स्वार्थ साधन दूषण स्वरूप से वाक्य में परार्थ दूषण, तो स्वार्थ साधन दूषण, स्वार्थ में साधन का दूषण, परार्थ में, तो परार्थ में साधन का दूषण। तो ये प्रश्न है कि जब दूषण रूप स्वार्थ अनुमान रूप जो ज्ञान है और परार्थ साधन दूषण रूप जो परार्थ अनुमान ज्ञान है, देखो स्वयं का साधन बनाओगे तो तुम भूषण रूप बनाओगे, पर के लिए तुम दूषण रूप बनाओगे, ठीक है ना। तो आप स्वार्थानुमान से दूषण बना रहे साधन को कि प्रार्थनाओं से दूषण बना रहे साधन को, तो ये बताइए साधन कौन है? वो साधन नहीं है, अभाव है, और साध्य का भी अभाव है, तो दूषण भूषण है किसका? तो तत्केन साधनम नैरात्मस्य, जब वस्तु नैरात्म है, वस्तु है ही नहीं है, उसका स्वभाव ही नहीं बचता बालक, तो परा साधन दूषण आत्मा संवाद तत्प्रमाणम तन्ना प्रमाणम, वो प्रमाण, वो प्रमाण भेद कैसे बनाएंगे? किसका भेद? कौन साधन दूषण है, कौन साधन भूषण है, ठीक है ना, वस्तु तो होना चाहिए। तो स्वार्थ साधन दूषण रूप, स्वार्थ अनुमान रूप जो ज्ञान है, परार्थ साधन के दूषण रूप जो परार्थ अनुमान जो रूप जो वाक्य है, और सब को समझाने के लिए जो ज्ञान है वो स्वार्थ अनुमान, और पर को समझने के लिए ज्ञान वो क्या? परार्थमान जो वचनात्मक है। इसलिए, इसलिए क्या? तथा केन साधनम नैरात्मस्य, तो आप नैरात्मवादी बोलिए साधन क्या है तुम्हारा? स्वार्थ परार्थम बा, स्वार्थ की परार्थ, स्वार्थ की परार्थ। केन दूषणम बहिरंतस्य अभावास्त, जब बहिरंत बहिरंतंत्र का अभाव ही है तो दूषण किसमें? जब वस्तु ही नहीं है। अब अच्छे कह रहा है, अच्छे कह रहा है, अच्छे कह रहा है, ओ भैया सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, ओ मालूम आपको, मालूम आपको, मालूम आपको, बंद्या के सात बेटों में चार गोरे और तीन काले। अच्छे क्या कह रहा है? बम्बई उदयपुरिया पूरे बंद्या के सात पुत्र चार गोरे तीन काले। अरे पगले मैत्री तनिया, पूरी न्यायदीपिका में ही भरा लिखा है मैत्री तनिया, मैत्री तनिया अनुमान प्रमाण से। अरे अनुमान प्रमाण से बताइए कि बंद्या के पुत्र होते भी कि नहीं होते? जब होते ही नहीं है तो काले गोरे कहां से बना दिए तुमने? जब वस्तु है ही नहीं है तो दूषण किस बात का? इसलिए अच्छे बुलाओ देश का प्रकांड विद्वान आचार्य मुनि मनीषी को, और कुछ कहे ब्रह्म बता दे उसको, भाई तू दोष दे रहा है, ये बताइए जो दोष है नहीं है तो दोष किस बात का, और दोष है तो दोष किस बात का? केन साधन दूषणम, जब दो गुण है ही नहीं है तो दोष किस बात का? और जब गुण गुण है तो दोष किस बात का? ओह बेसे में तुम सील का दोष खोज रहे हो? अरे बेसे में सील का क्या दोष खोजना, वो तुझसे नाम ही बेसे है। ओह हो, इसलिए जो सीलबंत हैं उन पर तुम क्या दोष दे रहे हो? वे तो सीलबंत थे ही, इसलिए तुम्हारी बुद्धि में दोष है। इसलिए अहो देवानाम प्रिया या देवी नाम प्रिया, जो नारियों के प्रिय हैं
वे देवानाम प्रिया, और देवानाम प्रिया किम नाम संस्कृत भाषायाम मूर्ख अस्ति। संस्कृत भाषायाम देवानाम प्रिया किम नाम अस्ति या मूर्खा वंती सा देवानाम प्रिया या देवी नाम प्रिया, जिनको लड़कियां प्रिय है, स्त्रियां प्रिय है, मतलब जिनको नारियां प्रिय है, या देवी नाम प्रिया तो देवानाम प्रिया। श्रेष्ठ आगे विचार मारवी को